हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये इश्यू और डिबेंचर की स्पेशल एंट्रीज हैं। स्पेशल एंट्री मैं किसको कह रहा हूँ, स्पेशल एंट्री कह रहा हूँ जब डिबेंचर का रिडम्पशन इन नियर फ्यूचर प्रीमियम पर हो। रिडम्पशन किस पे हो, यानी रीपेमेंट किस पे हो, प्रीमियम पर हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या एंट्री करेंगे हम उसे देख रहे हैं। तो उसको नाम अपन ने दिया है स्पेशल एंट्रीज। क्यों दिए नाम, व्हेन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी ऑन प्रीमियम। ध्यान देना, रिडम्पशन जो है किस पर होगा, प्रीमियम पर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी कंपनी को इश्यू करते वक्त ही ये बताना पड़ता है कि वो रिडम्पशन कब करेंगे। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी ने इश्यू ऑफ डिबेंचर यहां किया तो उसके बताना पड़ेगा कि अब इसका रिडम्पशन जो है वो कब करेंगे। तो मान लेते हैं सर 5 ईयर्स के बाद करेंगे, ठीक है, तो सर कितने में करेंगे, हाउ मच, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। और आपने कह दिया कि जी हम तो 100 रुपए के डिबेंचर को 10 रुपए प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे तो हम 110 पे करेंगे। तो कंपनी को ये डिक्लेयर पहले ही करना पड़ता है कि वो इन फ्यूचर जो डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी वो क्या प्रीमियम पे करेगी। अब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने जैसे ये डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी को पता लग गया कि भाई उन डिबेंचर का रिडम्पशन तो प्रीमियम पर होना है, दैट्स व्हाई कंपनी उसको 10 रुपए को अपना पहले ही लॉस मान लेती है। कंपनी इसको क्या मान लेती है, अपना लॉस, कि फिर इन फ्यूचर आपको पे करना है। क्यों, अभी क्यों लॉस मान लिया, क्योंकि उसको इस लॉस के लिए पैसा क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ये अरेंजमेंट उसको इश्यू के वक्त ही करना पड़ता है, इसीलिए इस अरेंजमेंट के कारण उसको जो एंट्री करनी पड़ती है उसी को मैंने नाम क्या दे दिया, स्पेशल एंट्री। ये स्पेशल एंट्री क्यों हो रही है, इस अरेंजमेंट के कारण। अरेंजमेंट किसका हो रहा है, लॉस के कारण। ये लॉस कौन सा है सर, जो हम रिडम्पशन जब प्रीमियम पे करेंगे उसका। इसका मतलब ये जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ये लॉस का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, इसी को हमने नाम क्या दिया है, स्पेशल एंट्रीज। ये इश्यू के वक्त ही होगा, सही है, इसीलिए इसका जो फर्क है वो सारा का सारा इश्यू के एंट्रीज पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, स्पेशल एंट्री इश्यू और डिबेंचर के केस में, तो इस केस को ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपने इश्यू किया 100 पर और रिडम्पशन आप करेंगे 110 पर। ऐसे आपने इश्यू किया 90 पे और रिडम्पशन आप करेंगे 110 पर। और ऐसे ही आपने इश्यू किया 115 पर और रिडम्पशन आप करेंगे 110 पर। यानी इन सभी कंडीशन में ऊपर वाली कंडीशन इश्यू की है और नीचे वाली कंडीशन रिडम्पशन की है। इश्यू रिडम्पशन, इश्यू रिडम्पशन। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप इश्यू की एंट्री सोचिए कि इश्यू की एंट्री अगर आप नॉर्मल तरीके से होते तो आप क्या करते। सबसे पहले इसी को अज्यूम करो, अगर मैं इश्यू की एंट्री पार पे 100 पे करता तो मैं क्या एंट्री करता, मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100। सर एप्लीकेशन का है, देखिए ऐसा है, मैं पहले ही अज्यूम कर रहा हूं। वैसे एंट्री 2 से होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव की यही एंट्री होती है। फिर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री करते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यही 2 एंट्री करते हो, फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ है, एप्लीकेशन जो डेबिट हुआ है, क्रेडिट से डेबिट को काट दिया तो एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। करनी यही एंट्री है, लेकिन समझने के लिए इसको आप ऐसे समझिए, ज्यादा आसान रहेगा। तो अपन ने पार पे जो है इश्यू कर दिया, अच्छा सर 90 रुपए में इश्यू करें यानी 10 रुपए के डिस्काउंट पे करें तो क्या एंट्री होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर अकाउंट 100। एक बार चेक करना, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है और वो हमेशा क्रेडिट कितने से हो रहा है, 100 से, यानी किससे क्रेडिट हो रहा है, फेस वैल्यू से। ये बात लर्न कर लो, डिबेंचर हमेशा जो क्रेडिट होगा वो फेस वैल्यू से होगा पूरे चैप्टर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, सही है। तो ये जो एंट्री हो रही है कंबाइंड एंट्री है, वैसे डिटेल में अगर आप 2 एंट्री से करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे, सही है। अगर कंबाइन एंट्री करेंगे तो ऐसे करेंगे और अगर अलग अलग एंट्री करेंगे तो ये वाली एंट्री करेंगे, ओके, इस पर डिस्कशन अपन और भी करेंगे। अच्छा, अब अगर आप 115 पे इश्यू कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे इश्यू है तो टू डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बैंक में कितने पैसे है सर? 115। डिबेंचर कितने का था? 100 का। और प्रीमियम ऑन इश्यू कितना हुआ? 15। प्रीमियम ऑन इश्यू कितना हुआ? 15। मैंने इन सभी में एक अजम्पशन लिया है, इश्यू अजम्पशन क्या है कि जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो कितनी है? 100। या मैंने 100 का शेयर 100 में इशू, डिबेंचर 100 में इशू किया, या 100 का 90 में इशू किया, दैट्स व्हाई 10 का डिस्काउंट है, और या 100 का डिबेंचर 115 में इशू किया, दैट्स व्हाई प्रीमियम कितना है? 15 का है। सही है। तो ये पहली स्टेप हुई है आपकी इशू। सही है। अब इसके अंदर हम ये जानते हैं कि इन डिबेंचर का रिडेम्पशन हमें फ्यूचर में 10 रुपए प्रीमियम पे करना है। किस पे करना है? 10 रुपए प्रीमियम पे, यानी 100 रुपए की फेस वैल्यू की जो चीज है उसके लिए पेमेंट आपको 110 करना है, 110 करना है। तो ज्यादा पेमेंट करना आपके लिए लॉस है, ज्यादा पेमेंट करना आपके लिए लॉस है। तो उस लॉस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा पेमेंट करना आपके लिए लॉस है तो वो लॉस डेबिट भी करना पड़ेगा, क्यों? लॉस तो हमें पता होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन अरेंजमेंट तो अभी करना है, इसलिए उस लॉस को डेबिट करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? देखें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहां भी लॉस होगा, फ्यूचर में इस पर भी 110 पे प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। यहां भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे, तो ये भी लिख दें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। सर, लॉस ऑन इश्यू क्यों लिखा? देखो, इस लॉस का पता आपको इश्यू के वक्त ही पता लग जाता है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू। तो सभी जगह लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर कितना लिख दिया? 10। ये लॉस क्यों हो रहा है हमको? सर, क्योंकि हम डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। तो क्योंकि आप डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, उसके कारण ये लॉस हो रहा है, उसका प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए? 10 रुपए। हर जगह जहां भी लॉस डेबिट हुआ है वो इसके कारण हुआ है, जहां भी लॉस डेबिट हुआ है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए, यहां भी लॉस हुआ है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए। तो देखिए, ब्लैक इंक से जो आपके लाइंस लिखी गई है वो तो नॉर्मल इश्यू की है, चेक कर लो, बैंक टू डिबेंचर, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम। लॉस को यहां डेबिट किया और उसका प्रोविजन जो बनाया उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये दो लाइनें सब में जुड़ी हुई है, चेक कर लो। ये दो लाइनें किसकी है? कि जब हम डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, ये दो लाइनें तब होंगी। अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो ये ब्लू वाली जो लाइन्स आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा ब्लैक वाली इंक को ही यूज करेंगे और चीजें यूज नहीं करेंगे। सर, ये वाली एंट्री यहां कैसे होगी अगर हम दो में करेंगे? बहुत ही आसान है, पहली एंट्री को नहीं छेड़ना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में एडजस्टमेंट होगा, जैसे मैं मान लो फर्स्ट वाले केस को ले रहा हूं, इस वाले केस को 100 बाय 110, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ये तो 100 से हो जाएगी। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हम यहां कर ही रहे थे, है ना, कितना? 100। और ये लॉस जो डेबिट हुआ सेकेंड एंट्री में होगा, क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, और ये जो प्रीमियम है ये यहां क्रेडिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। तो वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंबाइंड एंट्री से ही करें, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप दो एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट होंगे ये फर्स्ट एंट्री में नहीं होंगे, सेकंड में होंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है। सही है। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज हैं, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार बट रिडम्पशन ऑन प्रीमियम,
issued a discount but redemption on premium, issued a premium but redemption on premium. कई लोग ये सोचते हैं कि सर आया तो इश्यू करते हुए 115 है और गया 110 है तो पांच रुपए का हम तो फायदे में है. नहीं, आप जब भी कंपेयर करेंगे, मैंने कहा एज्यूम कर दिया मैंने 100 से, तो आप कंपेयर हमेशा 100 से ही करेंगे. आप यहां ये देखेंगे कि 100 का डिबेंचर है, हमें पेमेंट 110 करना है तो पेमेंट 10 रुपीज ज्यादा करना है, दिस इज अ लॉस फॉर यू, इससे करना है. ऐसे इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है, आपको इस 110 को कंपेयर करना है फेस वैल्यू से. ये बात अपन को ध्यान रखनी है. तो ये सब इश्यू की स्पेशल एंट्रीज हैं जो कि आपकी की जाती हैं जब डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे हो. अब हम इसका इलस्ट्रेशन जो है वो देखते. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 डीके गोयल बुक का है. देखिए लिखा है गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग conditions. Number one, issued 2000 debenture of 100 each at par, issue par पर है और redeemable also par, दोनों ही par पर है तो फिर ये हो गया ये वाला केस, फर्स्ट वाला केस हो गया. कितने debenture है? 2000 debenture, 100 का debenture है और 100 में issue किया गया है ना, तो 2000 into 100 that is 2 lakh, 2000 into 100 that is 2 lakh. ये अपन ने फर्स्ट स्टेप की, मैंने कहा था पहली स्टेप में आप issue की एंट्री कर दो और कुछ नहीं करना. देन लॉस को डेबिट करना है, लॉस को डेबिट कर दो और देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर दो. तीन स्टेप में आपका काम हो जाएगा, स्टेप नंबर 1, 2 and 3, तीन स्टेप का काम है. तो पहले मैंने बेसिक एंट्री इश्यू की कर दी. लॉस कितने का हुआ? रिडम्पशन आप किस पे कर रहे हैं? रिडम्पशन आप कर रहे हैं पार पर, सही है? तो फिर तो आपके लॉस हो गए ही नहीं, फिर तो ये सिंपल एंट्री बन गई, ये स्पेशल एंट्री हुई नहीं. स्पेशल तो तब होती जब रिडम्पशन किस पे होता? प्रीमियम पे. एक बार और देखते हैं. सेकंड, इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, इशू तो डिस्काउंट पे किए हैं, रिडीमेबल एट पार यानी रिडम्पशन फिर पार पर है यानी स्पेशल एंट्री नहीं है. कितने डिबेंचर इशू किए? 2000. 100 का डिबेंचर है, कितने में इशू किया? 2% डिस्काउंट पे, तो बैंक में कितना आएगा? 98. बस 2000 इंटू 100 दैट इज 2 लाख, 2000 इंटू 2 दैट इज 4000 और यहां आ जाएगा 1,96,000. क्योंकि रिडम्पशन पार पर है इसलिए स्पेशल एंट्री है ही नहीं, नॉर्मल एंट्री है, इशू की ब्लैक वाली एंट्री आ रहा है और कुछ भी नहीं. थर्ड देखें, इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन अभी भी पार पे ही है, सही है? तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है और 5% प्रीमियम पे. 2000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 5% प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन इश्यू 5, तो बैंक में कितना आएगा? 105. 2000 इंटू 100 दैट इज 2 लाख, 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 और बैंक में कितना आ जाएगा? 2,10,000. और क्योंकि स्पेशल एंट्री नहीं है इसलिए लॉस और यहां कुछ नहीं आएगा. ये लिखने की जरूरत नहीं है, जहां भी डैश है उनको आपको एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं है. अभी तक ये नॉर्मल एंट्रीज हो रही हैं, अभी तक स्पेशल एंट्री आई ही नहीं है. फोर्थ देखें, इशूड 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम. अब ये वाली एंट्री आ रही है आपकी, यहां इशूड एट तो पार है लेकिन रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम यानी 105 है, तो इशू तो 100 पर है, रिडम्पशन 5 रुपए प्रीमियम पे, तो यहां 5 आएगा और उसके कारण लॉस भी कितना हो जाएगा? 5. तो 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 एंड 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000. ये आपकी स्पेशल एंट्री हो गई क्योंकि इस बार रिडम्पशन किस पे था? प्रीमियम पे था. आगे चलें, फिफ्थ केस आपका है इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी 98 पे इशू किया 100 का डिबेंचर और रिडीमेबल कितने पर है? और रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पे, यानी इशूड एट 98 बट रिडम्पशन एट 105. ये आपका केस बन गया, ठीक है? तो 2000 इंटू 98, 2 और 100 तो वही है, बस इस बार आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो लॉस कितने का हो गया? 5. क्यों हो गया? क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 एंड 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000, सही है? टोटल उतना ही बैठेगा क्योंकि दोनों जगह 10-10 लिखे हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ना नहीं है. और लास्ट है इशूड 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी इशूड तो है 105 पर और रिडम्पशन है 110 पे, तो 105 पे तो हमने पहले इशू किया, रिडम्पशन क्योंकि 10 पे है तो इसलिए 10 का लॉस होगा और इसलिए 10 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बनेगा. देख लें,
2000 to 10, that is 20,000. 2000 to 10, that is 20,000. सही है. तो ये आपका ये केस भी हो गया जिसमें कि अपन ने स्पेशल एंट्रीज किए. स्पेशल एंट्री याद रखिएगा केवल तभी होती है जब रिडम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पर हो. उसमें ये दो लाइनें एक्स्ट्रा आ जाती है. सभी एंट्रीज में आप देख लिए, दो एंट्रीज जो हैं, दो लाइंस जो हैं, वो एक्स्ट्रा आ जाती है. ओके, इसके एक बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, परफेक्शन अपने आप आएगा. ओके, थैंक यू.